नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। मैं आपका फ्रेंड, आपका मित्र, आपका सखा कमल नंदलाल वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। और वास्तु का हमारा ये स्पेशल शो आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार करता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि वास्तु के माध्यम से हम आपको छोटी छोटी चीज़ों पर हम आपको बहुत सारी नॉलेज दें और कुछ ऐसे वास्तु टिप्स दें जिनसे आप अपने लाइफ को पॉजिटिव बना सकें, अच्छा बना सकें, सक्रिय बना सकें। आज का विषय बहुत खास है, लेकिन विषय जानने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें और लाइक एज योर पेज करें और दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरों के भी जीवन में आप पॉजिटिविटी लेकर आएं। हमारा उद्देश्य यही है कि चीज़ों को पॉजिटिव बनाया जाए। तो चलिए आज के विषय से शुरुआत करते हैं। आज का विषय है टपकते नल। आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं वो आप शायद सोच भी नहीं सकते। आइए जानते हैं। नल हमें पानी देते हैं, जीवन तुल्य पानी, और पानी जो है उसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि उसे देवता माना गया है, उसे वरुण माना गया है शास्त्रों में, और वरुण का प्रबंधन यानी कि जल का प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जल के प्रबंधन में कहीं दिक्कत आ जाती है तो हमारी लाइफ अस्त व्यस्त हो सकती है, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जहाँ जल का दुरुपयोग होता है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और जल कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ। जल को वरुण भी कहा गया है, साथ साथ में जल ही जीवन है ये भी कहा गया है। जल पंच तत्व में से, पंच महाभूतों में से एक भूत है, एक ऐसा एलिमेंट है हमारे जीवन में जिसके ना होने से जीवन की संभावना ही नहीं की जा सकती। हम जीवन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अगर हमारे जीवन में जल की कोई कमी आ जाए। अगर हमें एक दिन भी प्यासा रहना पड़ जाए तो हमारे लिए कितनी दिक्कतें आ जाएंगी हम इसका अभिप्राय भी नहीं लगा सकते। जल ना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, वाइटल भी है, क्योंकि अगर जल नहीं है तो हमारा कल नहीं है। और वही जल हम स्टोर करते हैं अपने घरों के अंदर, टैंक्स में स्टोर करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर करते हैं, पीने का पानी बर्तनों में स्टोर करते हैं, फिल्टर करते हैं उसे, और तब हमारा जीवन सक्रिय होता है। इस जल को धन भी कहा गया है, क्योंकि वास्तु के अनुसार जल जो है वो आइस से क्रिएट होता है, बर्फ़ से क्रिएट होता है, और बर्फ़ जो है हिंदुस्तान के और दुनिया के हर जगह पर हाई एल्टीट्यूड पर या ऊपरी जगहों पर ज़्यादा जमती है, क्योंकि ठंड वहाँ ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उस क्षेत्र को कुबेर क्षेत्र भी कहा गया है। जल अपने साथ में वर्षा भी देता है और जल अपने साथ में समृद्धि भी लेकर आता है, क्योंकि जल अत्यधिक कुबेर को प्रिय है। और जल की जो डायरेक्शन है उसे नॉर्थ ईस्ट ही कही गई है, ईश्वर की डायरेक्शन, या नॉर्थ कही गई है जो कुबेर की डायरेक्शन है। जल का संचित होना, जल का यूज़ होना और मिसयूज़ होना, इन दोनों में फ़र्क है। जब जल हमारे जीवन में इतना इम्पॉर्टेंट है तो उसका टपकना, उसकी वेस्टेज कितनी इम्पॉर्टेंट होगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे घरों के अंदर जल को जो हम संचित करते हैं, जो नॉर्मल सिंगल घर हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनके अंदर तो समुदाय का पूरा जल इकट्ठा जो सोसाइटी का वो एक साथ रिस्टोर होता है। लेकिन जहाँ पर इंडिविजुअल घर हैं वहाँ पर टैंक्स में, अंडरग्राउंड टैंक्स में सबसे पहले पानी आता है, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट चाहे या किसी और डिपार्टमेंट चाहे, और उसके बाद उसे घर के टैंक पर चढ़ाया जाता है, उसे एल्टीट्यूड दिया जाता है, उस जगह को भारी किया जाता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ है, और जो स्थिर जल है, जो जमा हुआ, उसकी डायरेक्शन हमेशा पाताल कही गई है। तो पाताल और आकाश दोनों जगह जल ही कंक्लूड होता है एज एन देवता, और यही एक रीज़न है कि हम शिव पे जल चढ़ाते हैं। जब हमारे घर में नल टपकते हों तो हमारे जीवन से समृद्धि दूर हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा जल कुबेर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे घर में से जो समृद्धि है वो समृद्धि दूर हो जाती है और फाइनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार जल की जो दिशा है बहते जल की, फ्लोइंग जल की, वो चौथा भाव कहलाया गया है कुंडली का, और वास्तुपुरुष सिद्धांत के अनुसार ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट कही गई है। अगर हमारे घर के वॉशरूम के अगर नल टपकते हों तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अगर हमारे किचन के टैप में से नल टपकता हो तो भी ये आपके घर में बीमारियों को ला सकता है,
और अगर हमारा वॉश बेसिन से, जहाँ पर हम सिंक्स लगी हुई हैं, वॉश बेसिन है, अगर वहाँ से जल टपक रहा है, तो ये समृद्धि की हानि का सबसे बड़ा कॉज बन सकता है। इसलिए आपके घर का टपकता हुआ नल आपके लिए फाइनेंशियल लॉसेस और बैड हेल्थ इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है। आपके घर का टपकता नल आपके जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जा सकता है। और देखा जाता है कि जिनके वॉशरूम्स के नल टपकते हैं या टॉयलेट्स के नल टपकते हैं, वो लोग आर्थिक रूप से उन्नति नहीं कर पाते। जिनके कंबोर्ड्स में निरंतर जहाँ पर स्टोरेज ऑफ वाटर होता है, वो उसमें अंदर कहीं दिक्कत होती है, या जो आपका फ्लश लगा हुआ है अगर उसमें से पानी टपकता है, तो आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके बाथरूम का सिंक अगर टपक रहा है, वहाँ का नल जो है वो टपक रहा है, तो आप किसी भी तरीके से उन्नति नहीं कर पाएंगे। पैसा बहुत आएगा लेकिन जमा नहीं होगा। तो इन्हीं तरीके के छोटे छोटे वास्तु टिप्स से हम आपको बहुत संचय करते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, आप किसी भी प्लम्बर को बुला करके टपकते हुए नलों को, जो टैप्स हैं आपके, उनको ठीक कराएं और नियमित रूप से उसके अंदर तेल डालें। तेल डालने से जो चंद्रमा का हास हो रहा है उसको शनि पूरा कर देगा, क्योंकि नल तभी टपकते हैं जब आपके वॉशर्स या आपका जो टैप है उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाए और वो काम ना करे प्रॉपर तरीके से। तो राहु को शनि से किल किया जाता है, उन रिंग्स में, उन बंडल्स में तेल डाल के आप उसको सक्रिय कर सकते हैं और राहु को ख़त्म करके चंद्रमा को बचा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी पानी का हास है वहाँ चंद्रमा का हास है। चंद्रमा का हास होने से आप मेंटल डिप्रेशन में आ सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, आपका खुद का घर आप नहीं बना पाते, प्रॉपर्टी में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात साइकोलॉजिकल स्टेट जो होती है व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो दर्शकों, हम नए नए विषयों को लेकर, नए नए टॉपिक्स, रोचक विषयों को लेकर आपसे रोज़ मिलते रहेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि वास्तु के सब्जेक्ट पर हम आपकी हर जिज्ञासा का समाधान कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और एक ख़ास बात, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक एज योर पेज करें, दूसरे लोगों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को पॉजिटिव बनाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।